Assalamualaikum guys, welcome back to another YouTube video. मेरे पास काफ़ी अच्छे से रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई थी लेकिन वो पुरानी हो गई और उसके अंदर मैंने बहुत लंबी की हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्रिसाइज रखूँ, कोशिश करूँ कि आप लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ यार फैमिली रिकंजमेंटो प्रोसेस के बारे में, जिसको फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर आ गया है, इटली आ गया है, उसके पास राइट है कि वो बुला सकता है, बट देर आर सर्टन ऑब्लिगेशंस। आप एज ए स्टूडेंट आए हो तो आपके पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, और आके अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपकी फैमिली वहाँ पर है, आपको उनको बुलाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी मोटी बर्तन धोने की नौकरी जिसको रियायती भी मिलता है बोलते हैं। इसके अलावा आप वेटर भी हो सकते हो, आप रेस्टोरेंट में जॉब भी कर सकते हो, आप डिलीवरी भी कर सकते हो, तो भी आपकी इतनी इनकम बन जाती है कि आप एक अपने फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर करके बुलवा सको, ठीक है। लेकिन हम लोग का मसला ये होता है। और दूसरी एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग बचाते हैं, पैसे बचाते हैं, हम लोग हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, ब्लैक में रहते हैं, जाहिर सी बात है इट बिकम्स चीपर। तो आप ब्लैक में रह रहे होते हो तो आपको हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो कर्तव्य अध्यक्षता नहीं मिलता। कर्तव्य अध्यक्षता क्या होता है? कर्तव्य अध्यक्षता एक वो डॉक्यूमेंट, एक वो बेसिकली कार्ड होता है जो CNIC होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बेसिकली एक कर्तव्य अध्यक्षता इसको बोलते हैं आपका, जब ये है कर्तव्य अध्यक्षता, ठीक है, इस तरीके का होता। तो कर्तव्य अध्यक्षता आपके पास होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्रोसीड दिस प्रोसेस, ठीक है। असल में हम लोग जब नए नए आते हैं, पैसे बचाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हमारे पास, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। वंस आपके पास रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये कार्ड भी जाके ले सकते हो। अच्छा, कौन कौन बुला सकता है? बेसिकली आपके पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप बुला सकते हो। आपके पास रिलेशन कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर तो बुला सकते हो, या इंडिया में कहीं भी आपकी फैमिली अकेली है वहाँ पे तो आप बुला सकते हो, ठीक है। तो चित्र दिनांसा वो तो एक अलग चीज़ है, चित्र दिनांसा बेसिकली जो नेशनल होता है यहाँ पे वो बुला सकता है। अच्छा, आप अपनी हस्बैंड है वाइफ को बुला सकते हैं, ठीक है। 18 ईयर से ऊपर आपकी वाइफ की एज होनी चाहिए, चिल्ड्रन अंडर 18 होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की एज अगर 18 साल से कम है तो ही वो बुला सकते हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे नहीं आ सकते। आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, प्रेफरेबली 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स होंगे तो वो इजीली उनका प्रोसेस हो जाएगा। और ये बताना होता है कि आपके जो वालिद साहब हैं उनकी वहाँ पे कोई ख्याल रखने के लिए नहीं है, वो अकेले हैं। क्योंकि मैं इस प्रोसेस को इसी वजह से पूरा जानता हूँ क्योंकि मैंने अभी ये प्रोसेस कम्प्लीट किया था वालिद के लिए, तो दुआ कीजिएगा कि हमारे वालिद साहब जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएँ। अच्छा, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ये कि आपके पास एक हाउस होना चाहिए जो कि आपके नाम पर होना चाहिए, मतलब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर होना चाहिए, और इसके कुछ साइज़ हैं, ठीक है। साइज़ के बारे में मैं आगे चल के बताता हूँ। एक हाउस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सूटेबल पोजीशन हो। नॉर्मली मैं आपको एक छोटा सा एक रफ आइडिया देता हूँ, तकरीबन 45 स्क्वायर मीटर का, तकरीबन मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ उसको, 45 से 50 स्क्वायर मीटर का अगर आपका घर है ना तो आप दो लोगों को बुला सकते हो, दो लोगों, ठीक है। उसमें तीन बंदों की फैमिली रह सकती है, अगर तीन फैमिली से ज़्यादा हो, क्योंकि जब वो आएंगे तो आपको एक छोटा सा प्रोसेस उनका करना पड़ेगा। आपको उनका जाके जो यहाँ पे परमिसिटी से जोड़ना होता है, जो रेजिडेंट परमिट होता है कार्तव्य अध्यक्षता, इसके अलावा एक यहाँ पे रेजिडेंस परमिट होती है, रेजिडेंस आपको लवोरो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, देखो एक होती है, दो तरीके की रेजिडेंस परमिट होती है यहाँ पे, ठीक है। एक होती है परमिसिटी से जोड़ना और दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ नोन एज कार्तव्य अध्यक्षता। हैं दोनों ही रेजिडेंट परमिट, ठीक है, लेकिन जो सिनेरी होते हैं, जो हम लोग हैं फॉरनर्स हैं तो हम लोगों को एक कार्ड दिया जाता है जिसको कहा जाता है परमिसिटी सोजोर्नो। आई एम श्योर कि आपको इस चीज़ का पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर नहीं पता हो, सारी चीज़ें आपको नहीं पता हो सकती, हमें नहीं पता हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली होता है, तकरीबन 50 स्क्वायर मीटर का घर होगा तो उसमें तकरीबन 3 लोग रह सकते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मतलब आप 50 मीटर का आपका एक कमरा तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली एक कमरा होगा, उसके साथ सजोड़नो होगा, सजोड़नो लिविंग लाउंज को बोलते हैं, फिर उसके साथ कुचीना भी होना चाहिए, बाथरूम भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इनकम पे अक्सर सवाल किया जाता है यार कि इनकम कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आपकी इनकम 9,813 यूरो 77 सेंट है ना, इसको 10,000 समझ लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 10,000 जो है ना यार, आप यहाँ पे लावा प्याती जिसको बर्तन धोना बोलते हैं, आप वेटर, ठीक है, वेटर बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपकी तकरीबन 1,000-1,200 आपकी उससे सैलरी होती है, तो भी आप
अगर आप वाइट में काम करें विद कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास होना चाहिए, आपका टैक्स पे हो रहा हो, आपकी इतनी इनकम बन जाती है, तो आप आराम से ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जब आओगे, ठीक है, मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ। अगर जब आप यहाँ पे आओगे तो आप पे डिपेंड करता है कि घर के क्या हालात हैं, बुलाना है नहीं बुलाना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोग होते हैं जो मैरिड होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट होती है, और जो सिंगल आ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स अगर सस्टेन कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो कोशिश करो कि उनको ना बुलाओ, क्योंकि शुरू में आप सेट हो गए तो उनको बुलाना बेहतर रहेगा। शुरू में आते साथ ही ये वाला बर्डन लेके चलोगे कि यार वो भी आ जाए तो वो बेचारे आके परेशान होंगे, वाले सब बूढ़े हैं, अम्मी हैं बूढ़े हैं, थोड़ा सा सेट हो जाए ना लाइफ, उसके बाद बुला लो। फौरन करोगे ना, हड़बड़ी करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है यहाँ पे, सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। इतने पैसे जितना मैंने आपको बताया कि 9,813 अगर आपके पास यूरो हैं, 10,000 यूरो हैं, तो आप एक बंदे को बुला सकते हो, ठीक है। और 9,000 यूरो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्कॉलरशिप की मद में भी आपके पास पैसे आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो गेम सेट हो जाती है। देखो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और एंड टेक्स टाइम, ठीक है। 6 महीने का तो टाइम बाय डिफॉल्ट इस पूरे प्रोसेस में लगता है। अगर 6 महीने के अंदर आपका प्रोसेस नहीं होता, ओनली देन यू कैन हायर अ लॉयर एंड हु कैन फाइट योर केस। अच्छा, 65 साल से ऊपर के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको उनका एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी लिया है, तो मुझे इस वजह से आ रही है, तकरीबन 2,000 यूरो तक का उसको इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट देते हो nolausalavoro.dlci.interno.it पे, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट देते हो ऑनलाइन, यू डोंट नीड अ लॉयर, आप खुद भी अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हो। मैंने अपना प्रोसेस जो है वो एक लॉयर के थ्रू किया है, ठीक है, वेरी गुड लॉयर, ठीक है। मैं लेकिन रिकमेंडेशन उनकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकता, तो आपको स्पिड चाहिए होता है कि स्पिड आईडी चाहिए होती है। वंस आप यहाँ पे आ जाते हो तो आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप स्पिड के थ्रू अपनी एक आईडी बना लेते हो। एक आपको पैक चाहिए होता है जो इटालियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। मैरिज, अगर आप फैमिली को बुलाना चाह रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, वो भी ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट जो नादरा से बनेगा, फिर इटालियन में ट्रांसलेट होगा, फिर इटालियन एम्बेसी से टेस्ट होगा, फिर आपका ये पूरे प्रोसेस के बाद जो आप जब जमा कराओगे ये डॉक्यूमेंट्स, तो आपको टाइम चाहिए 6 महीने का। जब 6 महीने के बाद नोला उस्ता निकलेगा, उसको कहते हैं नोला उस्ता, वो नोला उस्ता इज़ अ परमिशन कि उन्होंने ग्रांट कर दी है। अब वो नोला उस्ता की एक कॉपी आपको मिलेगी, एक चली जाएगी इस्लामाबाद एम्बेसी या कराची कौंसलेट, जहाँ से भी आप केस किया है। फिर आफ्टर दैट दे टेक टाइम, 1-3 महीने का वो टाइम लेते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं, एक एक डॉक्यूमेंट वो करते हैं, अपोस्टाइल स्टैम्प वगैरह चाहिए होता है, सारी चीज़ें। उसके बाद जाके जो है ना वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, एंड आफ्टर दैट यू गेट, आपको फिर कॉल आती है, आपको आप जाते हो कॉन्सुलेट कराची में या मेसी में, वहाँ पे आपका वीज़ा लगता है, और दिस इज़ हाउ यू गेट द वीज़ा। इसके बारे में बहुत से सवाल आ रहे थे यार, मैंने बोला एक छोटी सी डिटेल वीडियो 8 मिनट की मैंने इसी में बात की है कि ये आपको प्रोसेस एक रिकॉर्ड हो जाए, आज या 6 महीने बाद 1 साल बाद किसी को भी काम पड़ सकती है ये वीडियो। मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, तो और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना इंशाल्लाह, और इसी हवाले से करना, और भाई वुड लव टू गिव यू एन आंसर ओवर दिस टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।